यह पांच कारणों से एक स्त्री विवाह बाह्य संबंध रखती है या पर पुरुष के साथ में संबंध रखती है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज अभी सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत ही एक्टिव है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी मतलब ऑल जो चैनल्स है सोशल मीडिया, सभी लोग सब तरह एक्टिव है और उसमें काफी लोगों के संबंध एक दूसरे से आते रहते हैं। एक्सचेंज ऑफ व्यूज, थॉट्स, लाइफस्टाइल, सब ऐसा मालूम पड़ता है और बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन होते जा रहा है। इसे एक बात हमको दिखती है बिल्कुल स्पष्टता से कि इसमें काफी सारे विवाह बाह्य संबंध या पर पुरुष के साथ में संबंध है ऐसा मालूम पड़ता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, तो उसके बारे में जानिए। नंबर एक, एक तो वो स्त्री सुखी नहीं है या समाधानी नहीं है अपने पति के साथ में। होता क्या है कि पति को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लिंग में कठोरता नहीं आती, उसका वो इलाज करता नहीं है, या उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, जल्दी वीर्यस्राव हो जाता है और जिससे वो स्त्री को समाधान मिलता नहीं है, या पति को ऐसा कुछ भी नहीं है और तभी भी इसका समाधान होता नहीं है। हो सकता है कि इसको टाइम लगता हो, वो खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पति को, मगर इसको जल्दी नहीं हो रहा है क्योंकि वो जैसा सेक्स करना चाहिए वैसा सेक्स करता नहीं है। तो समाधान नहीं होना, खुश नहीं होना सेक्स में, तो फिर वो क्या होता है, इरिटेबिलिटी बाद में बढ़ती रहती है, संबंध खराब हो जाते हैं और फिर वो बाहर कहीं सेक्स से करके अपना समाधान कर लेती है। नंबर दो, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एक दूसरे से दूर रहना। क्या होता है कि सर्विस के लिए बोलो या और कोई कारण से पति पत्नी दूर रह रहे बहुत दिन तक, एक दूसरे से बहुत दूर है और काफ़ी दिन तक साथ में आते नहीं है, तो नेचुरली जो लेडी या जो स्त्री वहाँ हैं उनके साथ में संबंध बढ़ते रहते हैं। एक ही दफ्तर में काम कर रहे, घर में पत्नी नहीं है तो नेचुरली, या पति नहीं है तो नेचुरली वो जो लेडी है वो जिसके साथ में उसका संबंध आ रहा है उसके तरफ आकर्षित हो जाती है, और नेचुरली मतलब घर में वो कम रहती है, घर में दो चार घंटे रहती है मगर 8 घंटे दफ्तर में कोई पुरुष के साथ में रह रही है, काम कर रही है, नेचुरली वहां संबंध फिर आ जाते हैं। नंबर तीन, हस्बैंड पसंद नहीं है, मतलब पहले उसका प्रियकर था कोई, बाद में शादी नहीं कर सके और फिर अभी जबरदस्ती शादी कर दिया घर वालों ने, अपन प्रॉब्लम आ गया। अभी एक मेरे पास में लड़की आई थी, उसका एक लड़के के साथ में अफेयर था, उसको शादी करना था मगर वो अलग कास्ट का था, वो काम नहीं करता था, बेरोजगार था, तो घर वालों ने मना कर दिया कि कास्ट भी हमारे नहीं है, काम भी करता नहीं है, तो भाई तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होंगी। उसने बहुत जिद किया, आखिरी जब पिताजी ने बोला कि नहीं मैं तो मर जाऊंगा, मैं सुसाइड करूंगा, तो वहां शादी करेंगे, तो उसने फिर ठीक है नहीं करती ऐसा बोला और फिर उसका जबरदस्ती एक जगह विवाह लगा दिया। अब उसका पहले उसके दोस्त के साथ में संबंध कायम रहा, उधर उसका चैटिंग चले, उधर उसके फोन कॉल्स चालू है और उसके संबंध चालू है, उसकी इच्छा ही नहीं थी यहाँ शादी करने की, पिताजी ने बोला मैं सुसाइड कर लूंगा करके शादी कर लिया। नंबर चार, स्त्री पुरुष में उम्र में बहुत ज्यादा डिस्टेंस यदि रहा तो भाई यूजली 2-3 साल का फर्क रहता है, मगर यदि ज्यादा फर्क है, कभी हमने देखा हुआ है कि 11-12 साल का फर्क है, 15-15 साल का फर्क है, वो क्यों फर्क रखा है इतना वो ही जाने की ऐसा क्यों करते हैं लोग, मगर बहुत ज्यादा फर्क रहा तो नेचुरली उम्र के हिसाब से आदमी का उतना ज्यादा सेक्स नहीं रहता है, जोश नहीं रहता, उत्साह नहीं रहता है, समझो वो 45 का है, स्त्री 30 साल की है, तो फिर उसका नेचुरली बाहर ख्याल जाता है क्योंकि वो समाधान यहाँ होती नहीं। नंबर पांच, यदि उसको यहाँ पैसा या रिच लाइफस्टाइल नहीं मिलती, अमीरी लाइफस्टाइल, यहाँ एक ऑर्डिनरी लाइफ है, ऑर्डिनरी तनख्वाह घर में आती है, तो फिर नेचुरली बाहर उसको यदि ऐसा कुछ मिलता है कि जहाँ से पैसे का स्रोत चालू है ना, जहाँ से पैसा मिल रहा है, तो फिर नेचुरली वहाँ उसका आकर्षण बढ़ जाता है, घर में भी सपोर्ट हो जाता है, कोई किसको बोलने की बात नहीं है, और घर में सपोर्ट यदि हो रहा है, वो बताती कि मैं काम कर रही हूँ वहां से कमा रही हूँ, हस्बैंड को मालूम ही नहीं कि ऐसा कुछ है, उसको लगता है कि काम करके कमा रही है और एक्चुअली हो रहा है दूसरा ही काम। तो ऐसे 5 रीजन है मोटे मोटे कि जिसमें एक स्त्री का विवाह बाह्य संबंध आता है या परपुरुष के साथ में संबंध आता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, हम ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, आपको घर में दवाई भेज देते हैं, हमारे जो हॉस्पिटल है इसमें बिना रिश्तेदारों के साथ में या रिश्तेदारों के अलावा हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते रहते हैं। जरूर इसको सब्सक्राइब करो हमारी वीडियो को, थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार
अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।